हे गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज आपके साथ मैं एक सिंपल झटपट बनने वाली इजी एंड कंफर्ट फूड आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है दाल पालक की रेसिपी। तो आज का लंच है ये मेरा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रेसिपी के साथ में। सो यहाँ पे जो है मैंने तुअर का दाल ले लिया है, आप देख सकते हैं कुकर में। तो इसमें मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ। अब इसमें जो है एक टमाटर ऐड कर रही हूँ मैं, जो कि मैं रफली चॉप कर ले रही हूँ इस टमाटर को, कि टमाटर जो है वो गल जाएगा। तो ज़्यादा भी हमें पतला नहीं ये करना है, बारीक नहीं चॉप करना है। तो एक टमाटर को यहाँ पर मैंने रफली चॉप कर लिया है। पालक को जो है हम पहले दाल को कुक कर लेंगे, उसके बाद हम पालक ऐड करेंगे। सो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारे सूखे मसाले। तो हल्दी मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, यानी कि 1 टीस्पून, आप तीखे के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है गरम मसाला, धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ एंड थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। नमक भी जो है वो दाल को लास्ट में ऐड करेंगे हम, क्योंकि नमक ऐड करते हैं तो दाल जो है वो ज़्यादा कुक नहीं होता है। ये जो है ये मेरी मम्मी का टिप था। मम्मी हर टाइम जो है दाल बनाने के टाइम पे ऐसी करती थी कि लास्ट में नमक ऐड करती थी। सो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दिया है। सो दाल अभी हाफ कुक हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें जो है पालक ऐड करेंगे हमारा। सो दाल यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है अभी कुकर में। दाल जो है हाफ कुक हो जाएगा, उसके बाद में हम जो है इसमें पालक ऐड करेंगे। तब तक के लिए हम बाकी का प्रेपरेशंस कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं तड़के के लिए लहसुन जो है वो छील ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसे ही लहसुन को जो है ऐसे खलबत्ते में कूट कर भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं जो है इसे चॉप करके तड़के में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं लहसुन छील लेती हूँ। यहाँ पे एक साइड दाल हो रहा है हमारा और दूसरे साइड मैंने राइस भी जो है वो चढ़ा दिया है। तो दाल जो है वो ऑलमोस्ट अभी गलने आया है, तो दाल को हम ऑफ कर लेंगे अब 5 मिनट में। तो यहाँ पे दाल का जो है फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, थोड़ा सा प्रेशर इसमें से रिलीज हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें पालक ऐड करेंगे हमारा। तो यहाँ पे दाल चेक करने के लिए मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पे प्रेशर इसका रिलीज कर दे रही हूँ। हम एक बार इसमें दाल को चेक कर लेंगे और उसमें पालक ऐड कर देंगे हमारा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल जो है वो ऑलमोस्ट गल चुका है हमारा। सो दाल जो है ऑलमोस्ट गल चुका है प्रॉपरली। अब बाकी का दाल जो है वो पालक के साथ में और गल जाएगा, तो अब इसमें हम हमारा पालक ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं फ्लेम वापस से ऑन कर दे रही हूँ एंड इसमें मैंने पालक जो है यहाँ पर वॉश करके अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। तो ये पालक इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो पालक ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि पालक भी अच्छे से कुक हो जाए, और एक बार इसे अच्छे से चला देंगे। पानी जो है और थोड़ा हमें ऐड करना होगा, पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो पानी जो है वो आप आपके अकॉर्डिंगली चेक करके ऐड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब इसे वापस से ढककर हमें दो विजल आने तक इसे कुक करना है। दो विजल में हमारा पालक जो है वो अच्छे से गल जाएगा। तो दो विजल आने तक हम इसे रखकर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे दो विजल हो चुके हैं दाल के हमारे, तो यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ मैं अब। एंड अब इसका प्रेशर रिलीज होने तक हम छोड़ देंगे इसे। सो यहाँ पे प्रेशर देखिए अब रिलीज हो चुका है पूरा हमारे दाल का। सो अब कुकर में से जो है मैं दाल को ट्रांसफर कर ले रही हूँ दूसरे बाउल में। सो यहाँ पे मैंने ट्रांसफर कर लिया है दूसरे बाउल में। कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप दाल का हमारे, मैंने इतना थिकनेस रखा है दाल में कि राइस के साथ खाने में अच्छा लगे। अगर आप चाहें तो इसे और भी पतला कर सकते हैं। तो अब दाल को जो है हम तड़का लगा लेंगे। सो मैंने एक तड़का पैन यहाँ पे रख लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है सिर्फ। सो यहाँ पे पहले तड़के में जो है मैं लहसुन ऐड कर दे रही हूँ। साथ ही साथ दो सूखी मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं। और इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा। थोड़ा सा राई ऐड किया है मैंने। और लास्ट में ऐड करेंगे हम इसमें हींग। हींग जो है डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कीजिए, वरना ऑप्शनल है टोटली। और लास्टली दाल में जो है हमें अभी नमक ऐड करना है क्योंकि मैंने नमक ऐड नहीं किया था। तो नमक जो है वो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 स्पून ऐड किया है नमक। तो तड़का हमारा रेडी हो चुका है, तो इसे अब हम डायरेक्टली दाल में। रेडी है हमारा दाल, अब इसे गैस पर रख देंगे, एक बॉईल आएगा तो हमारा दाल जो है वो रेडी हो जाएगा। एक बॉईल आने तक हम इसे कुक करेंगे। अब सो दाल हमारा बॉईल आ चुका है दाल में, तो अब फ्लेम ऑफ कर लेंगे हम और इसे एक सर्विंग प्लेट में निकल के सर्व कर लेंगे। सो ये रहा हमारा सिंपल बट डिलीशियस दाल पालक की रेसिपी, रेडी हो चुकी है। गर्मा गर्म राइस के साथ इसे मैंने सर्व किया है, आप भी ट्राई कीजिएगा। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अगर ट्राई कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा बना है आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ गाइस, बाय बाय।